हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आज के हम इस वीडियो में जानेंगे करवा चौथ व्रत 2024 में कब है। आप सभी को पता है कि करवा चौथ का बहुत ही महत्व माना जाता है, तो आज के इस वीडियो में हम पूरी डिटेल्स में जानेंगे कि 2024 में करवा चौथ व्रत कब पड़ रहा है, सही मुहूर्त क्या है, कितने बजे से कितने बजे तक आपको व्रत कर लेना चाहिए, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में जानेंगे। करवा चौथ व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, जिससे कि हम सभी जानते हैं कि करवा चौथ जो है चतुर्थी तिथि को ही मनाया जाता है, जो लगभग अक्टूबर या नवंबर में पड़ती है। करवा चौथ व्रत 2024 में कब पड़ रहा है आगे इस वीडियो में जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि करवा चौथ व्रत का महत्व क्या है। करवा का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, जिसका उपयोग इस दिन की पूजा में किया जाता है। यह समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जो हम मिट्टी का कलश लेते हैं उसको करवा जो बोलते हैं, वो समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। और चौथ का मतलब क्या होता है इसके बारे में भी जानना बेहद ज़रूरी है। चौथ का मतलब होता है चौथा दिन। जो हम चौथे दिन व्रत रखते हैं यह दर्शाता है चौथ की हमें चौथा दिन व्रत रखना है। इस व्रत का मान्यता को इस व्रत को समापन करने की विधि जो है चंद्रमा को अर्घ देकर और पति के हाथ से पानी पीकर इस व्रत को महिलाएं यानी कि व्रत खोलती है और शादी के अक्सर इस व्रत में कपड़े महिलाएं पहनती हैं। अब हम जानेंगे करवा चौथ व्रत 2024 में कितने तारीख को पड़ रहा है। 2024 में करवा चौथ 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ध्यान से सुने, 20 अक्टूबर को करवा चौथ मनाई जाएगी। कई महिलाओं के मन में कन्फ्यूजन है कि करवा चौथ 21 के है, कई मुझे यानी कि इंस्टा पे कमेंट्स मिले हैं, लेकिन नहीं, 20 अक्टूबर को करवा चौथ मनाया जाएगा। करवा चौथ ना केवल एक धार्मिक पर्व है जैसे कि हम सभी जानते हैं, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो महिलाएँ और जो मतलब कि शादीशुदा महिलाएँ इस पर्व को करती है, कुमारी लड़कियाँ भी करती है एक अपने यानी कि पति के रूप में एक अच्छे वर पाने के लिए, लेकिन ज़्यादातर एक शादी के बाद महिला रखती है अपने पति के यानी कि हाथ से पानी पीकर ही व्रत को तोड़ा जाता है। लेकिन कई जगहों पर देखा गया है कि कुमारी लड़कियां भी अपने होने वाले पति के लिए करती है, लेकिन ज़्यादातर शादीशुदा महिला इस व्रत को करती है। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखें। थैंक यू, नमस्कार।